साथ होंगे और जम्मू रिलायंस स्टोर जो जम्मू में खुलने जा रहे हैं उनका मैं पूरा विरोध कर रहा हूँ। हम उनकी लड़ाई जो है और आगे भी लड़ाई जो है जारी रहेगी। रिलायंस भाजपा सरकार है, रिलायंस नहीं है। यहाँ अच्छा सेक्टर हम नहीं आने देंगे। यहाँ आबादी 1.25 करोड़ से नीचे है। हाँ, इस शहर की आबादी 5 करोड़ से ऊपर है। वहाँ आए मेट्रो सिटियों में वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आबादी हम नहीं आने देंगे। आज का हमारा शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है और आगे सरकार ने हमारे रिलायंस स्टोर को नहीं अगर दीपक जी किया तो हम जो है चक्का जाम करके पूरा बंद करेंगे। दीपक जी, रिलायंस ने डिनाई किया है, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो दी गई है उसमें वो डिनाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसे स्टोर हम नहीं खोल रहे हैं। तो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। 50,000 व्यापारियों का ये हक है, हम लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का प्रोटेस्ट जो है और आज का जम्मू बंद जो है बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से है और सरकार को एक चेतावनी है, अगर रिलायंस स्टोर जम्मू में खुलेंगे तो व्यापारी सड़कों पे आएगा और भी आंदोलन तेज करेगा। ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये उन गली मोहल्लों को 50,000 दुकानों की छोटे छोटों की लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं। और जो कंज्यूमर है उनसे भी आगाह करूंगा, वो स्टार्टिंग में सस्ता सामान देते हैं, जब छोटे छोटे दुकानदार बंद हो जाते हैं वो मोनोपलिस्ट बन जाते हैं और 400% के करीब मुनाफा लेते हैं। लेकिन आप देखो ये इतने बड़े कॉरपोरेट सेक्टर 8 दुकानें जो है जम्मू के अंदर तैयार है और रिलायंस जो है गुमराह कर रहा है। ये गुमराह जो है व्यापारी नहीं होगा। और आज का जो प्रदर्शन है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। अगर सरकार नहीं संभली, अगर सरकार नहीं संभली और ये जो हक है छोटे छोटे दुकानदारों का हक है वो लेके रहेंगे। दीपक जी, रिलायंस तो कह रहा है कि हम स्टोर्स नहीं खोल रहे हैं, डिलीवरी पॉइंट खोल रहे हैं। अरे भाई साहब, यही तो गुमराह है। जब दुकानें खुल जाएंगी तो उस समय डिलीवरी पॉइंट क्या हुआ वो लिख के दे कि रिलायंस का कोई भी माल जो है जम्मू शहर में नहीं बेचा जाएगा तो व्यापारी तभी शांत होंगे, नहीं तो नहीं शांत होंगे। बीजेपी कह रही लड़ाई है हमारी लड़ती रहेगी। बीजेपी कह रही है कि वो एलजी साहब से बातचीत कर रहे हैं कि स्टोर्स नहीं ओपन हो रहे हैं, लेकिन अब कुछ लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि स्टोर्स तो तैयार हो गए। बिल्कुल, आज जो हमने जलाए हैं वो स्टोर जलाए हैं। फिर बीजेपी झूठ बोल रही है। अगर सरकार, हमें नहीं पता कौन झूठ बोल रहा है। हमने ये लड़ाई जो है एडमिनिस्ट्रेशन से लेनी है और आगे भी हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक ये रिलायंस जो स्टोर माल जो बंद नहीं होंगे और जो 50,000 दुकानदारों को इंसाफ हम दिलवा के रहेंगे।